कैसा दिखता है। तो अब देख लेते हैं पहले स्पीकर्स क्या हैं, फिर इसको जल्दी से अनबॉक्स करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बैक पे आपको HD वॉइस कॉल वगैरह सारी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिल रही हैं। और इसमें जो आपको स्क्रीन देखने को मिल रही है वो 6.09 सेंटीमीटर की स्क्रीन है, जो कि काफ़ी छोटी है। तो इसमें जो आपको कैमरा देखने को मिल रहा है वो 2 मेगापिक्सल का रियर फेसिंग कैमरा और VGA कैमरा है। सपोर्ट करता है VGA और वाईफाई कनेक्टिविटी, मतलब ये वाईफाई आप ज्वाइन कर सकते हैं इसके साथ। मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें, आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू और वगैरह, इंग्लिश। और इसमें आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 128 GB तक SD कार्ड लगा के। तो इसमें आपको 4G इंटरनेट ब्राउजिंग देखने को मिल जाएगा। फिर इसमें आपको जो बैटरी देखने को मिलती है वो 2000 mAh की देखने को मिलती है। वायरलेस FM रेडियो है, मतलब आप इसको बिना हेडफोन के भी यूज़ कर सकते हैं। GPS और ब्लूटूथ इसमें आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो आपको रैम देखने को मिलती है वो आपको 512 MB की रैम देखने को मिल जाएगी। तो इस मिलता है, तो जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो 4 GB की आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं अब इसमें आपको कितनी इंटरनल स्टोरेज एक्चुअली में देते हैं। तो हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने टेप निकाल दिया पहले से ही, ये खोल दिया मैंने। अरे लड़ी गाइस, तो ये रहा हमारा जियो का फ़ोन यहाँ पे प्लेस्ड है। हम इसको फटाफट निकाल लेते हैं। और ये फ़ोन कुछ ऐसा सा दिखता है, पीछे लाइफ की ब्रांडिंग मिल जाएगी, उसके ऊपर ही आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, फिर कैमरा देखने को मिल जाएगा, सामने आपको जियो की लोगो देखने को मिल जाएगा, फिर नीचे कीपैड है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो आगे आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा भी देखने को मिल जाएगा इसमें। तो इसमें आपको NFC का सपोर्ट भी है, जो कि काफ़ी बड़े फ़ोन में भी नहीं मिलता आपको। तो अब देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या मिलता है फ़ोन को साइड में रख के। तो हमें इस साइड आपको एक चार्जर देखने को मिल जाएगा, बाकी बॉक्स में तो कुछ भी नहीं है, बस एक चार्जर देखने को। तो ये हम इसको निकाल के देखते हैं कैसा चार्जर है। तो इसको निकाल लेते हैं। तो इसमें आपको लिखा मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ट्रैवल चार्जर, मॉडल वगैरह, इनपुट, और यहाँ पे आउटपुट 5 वोल्ट्स एट 700 mAh और 0.2 amperes। तो ये आपको फास्ट चार्जर का सपोर्ट नहीं है इसमें, और मेरे ख्याल से ये जो फ़ोन है वो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट नहीं करता है, तो देखना पड़ेगा। पर इसमें इन्होंने इसके साथ कोई हेडफोन्स नहीं भिजवाए हैं। पर इसमें 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है, जो कि हेडफोन्स के लिए है। और यहाँ पे आपको साइड में चार्जिंग केबल आपको देखने को मिल जाएगी, जो आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो चार्जर को रखते हैं साइड में, और डिवाइस मैंने बूट कर लिया है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, हम जल्दी से इसको अनलॉक कर लेते हैं। तो गाइस, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये बटन्स भी अब ग्लो करने लग गए, क्योंकि पहले ये ग्लो नहीं कर रहे थे, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लो करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपको एक कंट्रोल सेंटर से इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जियो के फ़ोन्स में। तो यहाँ पे आपको जो एयरप्लेन मोड और ब्राइटनेस और कैमरा और वाईफाई, आपको वाईफाई ऑन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये ब्लूटूथ कैलकुलेटर, और ये फ्लैश, और ये वॉल्यूम अप डाउन के लिए, और ये हमारा वो मोबाइल डाटा। तो मेरा तो ऑन, तो इसमें जियो सिम उन्होंने डाल के दिया था, तो चेक कराने के लिए खोला था हमने। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या आपको मिल जाता है। जियो शेयर यहाँ पे आपको नया देखने को मिल जाएगा, उसके बाद कॉल लॉग, कॉन्टैक्ट, जियो स्टोर इनका है, ऐप स्टोर जैसा दिखता है, एप्पल के ऐप स्टोर जैसा दिखता है। उसके बाद आपको मैसेजेस, क्लॉक, कैमरा, कैलेंडर, म्यूज़िक देखने को मिल जाएगा इसमें आपको, गैलरी देखने को मिल जाएगी, FM रेडियो, जो कि आपको पता है बता दिया बिना हेडफोन के भी यूज़ हो सकते हैं, ब्राउज़र है यहाँ पे, तो कैलेंडर है,
और वीडियो जो भी आपकी वीडियोस में सेव होगी वो दिखाएगा, और जहाँ ये म्यूज़िक करके सेव होगा वो दिखाएगा। तो मैंने इस म्यूज़िक कार्ड भी डाला है, तो इसमें म्यूज़िक भी है। तो मैंने इसके जो स्पीकर हैं वो चेक किए थे, काफ़ी मतलब लाउड स्पीकर हैं इसके, काफ़ी मतलब अच्छी साउंड आती है स्पीकर में से। तो जियो सिनेमा, इसमें जियो की ऐप्स देखने को मिल जाएगी, जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो वीडियो कॉल, जियो एक्सप्रेस न्यूज़, और ये माई जियो ऐप, माई जियो म्यूज़िक और जियो गेम्स। और इसमें जियो स्टोर में भी सारी आपको जियो की ऐप्स देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पे सारी की सारी आपको जियो की ऐप्स देखने को मिल जाएंगी। अभी तक इन्होंने कुछ डाला नहीं है। तो जो इसका मेरे को काफ़ी अच्छे जो चीज़ इसमें लगी वो इसका स्पीकर है, क्योंकि काफ़ी अच्छी इसमें से क्लैरिटी भी अच्छी आती है, और काफ़ी जो साउंड है वो काफ़ी दूर तक भी जाती है, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। तो एक बारी मैं आपको सुना देता हूँ। अब देखना इसमें आपने देख ही लिया कैसी साउंड आती है, एकदम काफ़ी अच्छा साउंड है ये। मैं इसका स्पीकर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बड़ा स्पीकर है इसका, जैसे कि आप पीछे देख ही सकते हैं। तो इसका जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का इसका कैमरा है, फ्रंट फेसिंग कैमरा भी पता नहीं है कितने मेगापिक्सल का है। तो जो इसका कैमरा तो इसकी आप सेटिंग में जाके देख लेते हैं। और पहली बात, इसमें टॉर्च भी है यहाँ पे, तो आप ऊपर वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो टॉर्च जल जाएगी इसकी। काफ़ी तो नहीं मतलब टॉर्च ठीक ही है, जैसे फ़ोन में नॉर्मल फ़ोन में पहले जैसी होती थी, वैसे टॉर्च है। जाग के लिए बंद कर देता हूँ, और इसको अगर आप एक बार एडजस्ट करेंगे ऊपर वाले बटन का, तो कंट्रोल पैनल से घूम जाएगा। इसमें यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट्स आ जाते हैं, यहाँ पर सारे कॉन्टैक्ट जो भी आपने सेव किए होते हैं। तो इसमें आपको कोई अभी ऐप इसमें मिलती नहीं है जियो की ऐप्स के अलावा, तो कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें आप टीवी मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं, बाद में देखते हैं कौन कौन सी ऐप आती हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह। तो अभी तो इसमें कोई ऐप नहीं है, सिर्फ जियो के ऐप्स है इसमें। तो अब इसमें अब मैं आपको सेटिंग में जाके दिखा देते हैं क्या सेटिंग है इसमें आपकी। तो इसमें आपको सेटिंग में पहले नेटवर्क और कनेक्टिविटी मिलती है, जिसमें एयरप्लेन मोड, मोबाइल नेटवर्क डाटा, वाईफाई और ब्लूटूथ और NFC, और पर्सनलाइजेशन में साउंड, डिस्प्ले, सर्च, अलर्ट्स और डेट एंड टाइम, लैंग्वेज और इनपुट मेथड्स, और यहाँ पे स्क्रीन लॉक, सिम सिक्योरिटी, ऐप परमिशन, डू नॉट ट्रैक, ब्राउजिंग प्राइवेसी। उसके बाद इसमें आपको स्टोरेज और USB स्टोरेज, इसमें आपको जो मीडिया स्टोरेज मिलती है वो स्टोरेज आपको मिलती है,
Let me first focus. 949.76 MB में आपको मिलता है मीडिया स्टोरेज जो है इसकी, तो 4 GB में से इतनी आपको मिलती है। उसके बाद स्टोरेज में और आपको एप्लीकेशन स्टोरेज और USB स्टोरेज जो आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं USB से और सीधा अपने कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिवाइस इंफॉर्मेशन, डाउनलोड्स जो भी आपने डाउनलोड किया होगा और बैटरी परसेंटेज, तो ये सब हो गया। उसके बाद इसमें आपको ये सारी फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलती है। ऊपर आपको वोल्टी LTE और सिग्नल और टाइम वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स थी इसकी जो मैंने आपको भी आप दिखाई, और जियो स्टोर वगैरह जो भी है इसमें आपको मैंने बता दिया है, और हेलो जियो करके इसका वॉइस असिस्टेंट है, जो भी आप बोलोगे तो ये स्कैन करके बताएगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ ओपन माई जियो ऐप, जैसे कि मैंने बोला प्रोसेसिंग लिखा आ रहा है, देखते खोलता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है खुलने में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं थोड़ा ये टाइम लगा रहा है। मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, अनकट दिखाऊंगा, तो इसमें आ रहा है देखिए, इसने माई जियो ऐप ओपन कर दिया, थोड़ा टाइम लगता है फिर ओपन कर देता है। तो इसमें आप माई जियो ऐप में जा सकते हैं और इसमें आपको जो भी आपका डाटा वगैरह प्लान वगैरह है वो सारा कुछ इसमें आपको दिखाएगा वो। तो फिलहाल मैं बैक करता हूँ, इसमें मैंने 153 वाला प्लान ले रखा है, तो अब इसको हम बैक खोल के देखते हैं। तो जो वैसे ये जो बैक है, जैसे आप फील वगैरह कर ही सकते हैं, पीछे जो बैक है वो पूरा प्लास्टिक है, और जो फ़ोन तो काफ़ी हैंडी सा है हाथ में, मतलब दबता सा है, तो इसमें पकड़ने में आसानी होगी, तो फ़ोन काफ़ी हैंडी सा है। और पीछे जो बैक है वो प्लास्टिक है पूरी, जैसे कि आप देख ही सकते हैं प्लास्टिक बैक के साथ आता है। तो फिनिश ठीक है इसकी, लाइफ की ब्रांडिंग आपको पीछे मिल जाती है। तो यहाँ से आप खोल सकते हैं इस फ़ोन को, तो मैं ज़रा इसको रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये NFC के लिए ये दिया हुआ है, ताकि ये जो NFC है वो उसको मतलब ठीक रहे, सेफ रहे, NFC टूट ना जाए। तो ये जो चीज़ है ये बैटरी के लिए दी हुई है, NFC के एकदम नीचे आप देख सकते हैं ये फोम्स है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये बैटरी के लिए दिया हुआ है, और ये कुछ ऐसा सा दिखता है पीछे से। तो इसमें भी आप स्पीकर को देख ही सकते हैं, इतने बड़े स्पीकर हैं इसके, तो साउंड तो अच्छी आनी है। तो एक बार इसमें हम इसको ऑफ करके देखते हैं, सॉरी, यहाँ पे आप इसको दबा के लॉन्ग प्रेस करके पावर ऑफ और रिस्टार्ट, पावर ऑफ, और ये पावर ऑफ हो चुका है। मैं जल्दी से इसकी बैटरी निकालता हूँ, ये निकाल ली मैंने बैटरी, और बैटरी कुछ ऐसी सी दिखती है इसकी, इतने सब वो है 2000 mAh की बैटरी, और पीछे लाइफ की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी इसमें आपको। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ड्यूल सिम नहीं है, सिंगल सिम है ये। तो यहाँ पे आपको एक सिम डला हुआ मिलता है, उसके बाद यहाँ पे आप MicroSD कार्ड डाल सकते हैं, तो MicroSD कार्ड का स्लॉट है इसमें, बाकी इधर और कुछ भी नहीं है, सिंगल सिम है या ड्यूल सिम नहीं है। यहाँ पे आप ये QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, पावर्ड बाय जियो लिखा हुआ नीचे, और मॉडल नंबर वगैरह। तो ये था जियो फोन, और इसको मैं बैटरी को वापस डाल देता हूँ और बूट करके देखते हैं फ़ोन को, ये मैं अच्छे से इसको बंद कर देता हूँ, और ये बूट करके देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ जियो पावर्ड बाय KaiOS, तो इसका जो OS है वो KaiOS ने पावर्ड किया इसको, तो मतलब ये वैसे मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन चाइना है, जिसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है और इसकी बैटरी वगैरह पे भी लिखा हुआ है, तो ये मेड इन इंडिया नहीं, मेड इन चाइना है। तो ये कुछ ऐसा सा जब बूट अप होता है तो ऐसा सा कुछ दिखता है इसमें, लास्ट में एक साउंड भी आती है इसमें, और ये वहाँ पर ये बटन्स ग्लो करने लग जाते हैं। तो ये कुछ ऐसा सा मिलता है आपको ये फ़ोन, और फ़ोन दिखने में तो काफ़ी ठीक है, हैंडी भी है, पकड़ने में भी आसान है आपको, तो काफ़ी ठीक है ये फ़ोन।
तो अब मेन बात आती है इसमें जो सारी फीचर्स मिलती हैं उसमें। पहली बात, इन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं दिया, वो एक चीज़ इनको देनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि इसकी जो बैटरी है वो 2000 mAh की है, पर इस चार्ज जो इसके ओरिजिनल चार्जर से अगर आप चार्ज करें तो काफ़ी टाइम लग जाती है। जैसे कि मैंने इसको पहले भी करके देखा था तो ये बहुत टाइम लगाता है चार्ज होने में। तो अभी भी देखिए, जैसे बैटरी इसकी आप देख ही सकते हैं लो है, जैसे देख सकते हैं बैटरी तो लो है इसकी, तो ये चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है। वैसे ओवरऑल डिवाइस ठीक है, पता नहीं ऐप्स की वजह से इतना करता है, पर ये ऐप्स मुझे प्री इंस्टॉल नहीं मिली थी। ये पता नहीं चार्ज करने में बहुत टाइम लगा देता है, मतलब अभी तक मैंने इसको फुल चार्ज नहीं देखा है। और ओरिजिनल चार्जर से बहुत टाइम लगाता है, मैंने दूसरे चार्जर से करके देखा तो उससे थोड़ा सा जल्दी करता है, पर फिर भी टाइम लगाता है। मतलब आधे घंटे में ये मेरे को 10% मिलता है, 0 से कर रहा हूँ तो आधे घंटे में 10% का चार्ज देखने को मिलता है। तो ये मेरे को पता नहीं है ये सारी ऐप्स की वजह से या किस वजह से, पर चार्जिंग में ज़रूर टाइम लगाता है। ओवरऑल डिवाइस ठीक है, पर बटन वाले की हमें आदत चली गई, टच वाले का वो सब है बस ठीक है। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था रिव्यू।